अरुण जेटली सध्या काय म्हणतात या सगळ्या प्रकरणावर सीबीआयचे आपण थेट ऐकणार आहोत. की भ्रष्टाचार के आरोप किसके खिलाफ सही है. अब वो एजेंसी जो भ्रष्टाचार की जांच करती है उसके बड़े दो अधिकारी किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का शिकार बन जाए तो यह आवश्यक है कि बहुत ही अच्छे स्तर की और निष्पक्ष स्तर की उस पर जांच होनी चाहिए. सीबीआई पे सुपरिटेंडेंस का अधिकार करप्शन केसेस के संबंध में सीबीसी के पास है. यह सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी का एक लेयर है. सीबीसी ने इसलिए यह आदेश दिया जिसको सरकार ने स्वीकार किया कि जब तक यह जांच चल रही है चाहे सीबीसी में या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तब तक दोनों अधिकारी अलग बैठे, एजेंसी से बाहर बैठे, क्योंकि वो उस एजेंसी में नहीं हो सकते जो उन्हीं के खिलाफ जांच कर रही है. वो तो फिर निष्पक्ष जांच नहीं रहेगी. आज जो सुप्रीम कोर्ट ने दो और क्राइटेरिया जोड़ दिए वो इसी आधार को और मजबूत करता है. और मजबूत इसलिए करता है कि इस जांच को 15 दिन में समाप्त कीजिए और इस जांच के ऊपर एक ओवरसाइट जज, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बैठेंगे ताकि उनकी नजर इस जांच की तरफ रहे और उनकी नजर के तहत ये जांच और ईमानदारी फेयरनेस के साथ हो. तो मुझे विश्वास है कि देश के हित में है कि सच सामने आए. हमारा देश इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कीमत नहीं दे सकता कि सबसे बड़े दो अधिकारी उस एजेंसी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है वो खुद जांच के अंधेरे में आ जाए. इसलिए सच क्या है वो शीघ्र पता चलना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से पता चलना चाहिए. ये सीबीसी की नीयत थी, ये सरकार की नीयत है और आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया और मजबूत अपने आप में हुई है. लेकिन सर जिस तरीके केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली ने आपण बघितलंय की कशा रीतीने देशाच्या हितासाठी सत्तेसमोर येणं गरजेचं आहेच, पण त्याचबरोबर ज्या दोन महत्वाच्या अधिकाऱ्यांवर ह्या सगळा वाद सध्या सुरू आहे सीबीआय मधला त्यासंदर्भात देखील त्यांनी आता वक्तव्य केलंय. सीबीआयची प्रतिष्ठा जपण्यासाठीच निर्णय घेतल्याचं त्यांनी म्हटलंय. कोर्टाच्या आदेशामुळे या सगळ्यावर लक्ष राहणार आहे. आपण एकीकडे दृश्य बघतोय दिल्लीमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनाचे. बघत काही वेळापूर्वी राहुल गांधी यांनी नेमकं काय म्हटलंय. कल के मारे चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया है. कांग्रेस पार्टी चौकीदार को चोरी नहीं करने देगी. कांग्रेस पार्टी सीपीआई तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की सब पार्टियां चौकीदार को चोरी नहीं करने देंगी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.